अशोक गहलोत जी, दुतासरा जी, वेणुगोपाल जी स्टेज पे भैया को बंद कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए। स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, राजस्थान के युवाओं, किसानों, माताएं बहनें, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। रात के समय आप आए, हमारी बात सुनने आए, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद। ये यात्रा हमने कन्याकुमारी में शुरू की और अब 2300 किलोमीटर से ज्यादा हम और हमारे यात्री चले। यात्रा शुरू हुई थी तो हमारे जो जिनको मैंने प्रेस के मित्र कहा, मित्र तो हैं मगर हमारे बारे में इतना दिखाते नहीं, तो इन्होंने कहा था कि हां केरला में बहुत अच्छा रिसेप्शन हुआ है मगर जब केरला से निकलकर कर्नाटक जाएंगे तो कर्नाटक में यात्रा ठीक नहीं चली। कर्नाटक आए तो उन्होंने कहा कर्नाटक में बहुत सक्सेस हुई है मगर तेलंगाना में मुश्किल होगी। तेलंगाना जाए कहते हैं तेलंगाना में सक्सेस हो गई। आंध्रा में सक्सेस नहीं होगी, आंध्रा में सक्सेस हो गई कहते हैं। साउथ में यात्रा चल गई, अब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है यात्रा नहीं चलेगी। भयंकर रिस्पॉन्स आया महाराष्ट्र से, सबसे बेहतर रिस्पॉन्स महाराष्ट्र से आया। फिर कहते हैं महाराष्ट्र में चल गई, अब मध्य प्रदेश में तो हिंदी बेल्ट में तो फेल होगी। पता लगा मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया और अब कमलनाथ जी को मैंने चैलेंज दिया था जब यात्रा मध्य प्रदेश पहुंची। मैंने कमलनाथ जी को चैलेंज दिया, कमलनाथ जी महाराष्ट्र को आप नहीं हरा सकते। कमलनाथ जी ने कहा मेरे पास स्पेशल टेक्नोलॉजी है। देखिए मुस्कुरा रहे हैं, मेरे पास स्पेशल टेक्नोलॉजी है, मैं महाराष्ट्र को हरा दूंगा और करके दिखा दिया। और अब कमलनाथ जी ने राजस्थान को चैलेंज दिया है कि मध्य प्रदेश को राजस्थान पीछे नहीं छोड़ सकता। तो आप देखना राजस्थान में क्या होता है। मगर सारे रास्ते मैं आपको बताऊं। भैया एक सेकंड, हर स्टेट में, हर शहर में, हर गांव में हिंदुस्तान की जनता ने इस यात्रा को मोहब्बत, इज्जत, प्यार दिया और मदद की। आप यात्रियों से मिलोगे, उनसे आप पूछना, ढाबों में उनको पैसा नहीं देना पड़ा। लोगों ने उनसे कहा आप भारत जोड़ रहे हो, हम आपसे एक रुपया नहीं लेंगे। लोगों ने पानी दिया, किसी को चोट लगी घर में ले जाकर मदद की, दवाई लगाई, कोई गिरे उनको लोग अस्पताल ले गए,
तो आपने हिंदुस्तान की जनता ने सबने इस यात्रा को अपना प्यार मदद की। और मैं जानता हूं कि राजस्थान की जनता इस यात्रा को पूरा समर्थन देगी, अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरा प्यार इस यात्रा में डाल देगी। इस यात्रा की जरूरत क्या पड़ी? जब हमने शुरू की थी, लोगों ने कहा भारत को जोड़ने की क्या जरूरत, बीजेपी ने पूरे देश में डर फैला रखा है। आपने कहा, दुतासरा जी ने कहा कि मैं डर और नफरत को मिटा रहा हूं। नफरत को मिटाने की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर आपने डर मिटा दिया, अपने आप नफरत खत्म हो जाती है। जिसके दिल में डर नहीं होता है, उसके दिल में नफरत नहीं हो सकती है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह हम सब का धर्म कहता है, यह हर धर्म कहता है। जो डरता नहीं है वही प्यार कर सकता है, जो डरता है वो प्यार नहीं कर सकता है, ये सच्चाई है। तो मैं डर को मिटाना चाहता हूं। आप पूछो कौन से डर को? जो किसानों के दिल में बीजेपी की सरकार ने डाला है, जो छोटे व्यापारियों, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों के दिल में नोटबंदी करके, जीएसटी लागू करके और कोरोना में किसी की मदद नहीं करके डाला है, जो युवाओं के दिल में बेरोजगारी फैलाकर डर डाला है, उस डर को मैं मिटाना चाहता हूं। और अंत में जो बीजेपी के लोगों के दिल में और आरएसएस के लोगों के दिल में डर है, उसको मिटाना चाहता हूं। मैं उनसे नफरत नहीं करता हूं, बिल्कुल नहीं करता हूं, मगर मैं उनको इस देश में डर नहीं फैलाने दूंगा, क्योंकि ये डर का देश नहीं है, ये हिम्मत का देश है, महाराणा प्रताप जी का देश है। ये किसी से नहीं डरता और इसको डराया नहीं जा सकता है। तो यात्रा में हमने नारा दिया, डरो मत, डरने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर डरोगे नहीं, नफरत नहीं पैदा हो सकती। पूरा देश बेरोजगारी में डूबा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और पूरा का पूरा फायदा, पूरा का पूरा धन 3-4 उद्योगपतियों के हाथ में जा रहा है, चाहे वो पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो, सड़कें हो, अस्पताल हो, स्पोर्ट्स हो, जो भी इस देश में धंधा है, हेलो, सारा का सारा 3-4 लोगों के हाथ जा रहा है। हेलो, इससे देश का फायदा नहीं होगा, महंगाई से, बेरोजगारी से देश का फायदा नहीं होगा। इसीलिए हमने ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की और ये यात्रा कश्मीर में, श्रीनगर में जाके खत्म होगी और तिरंगे को हम वहां लहराएंगे। मध्य प्रदेश को हमने छोड़ा, मुझे दुख हुआ, मध्य प्रदेश के लीडर हैं, उनके साथ हम चले, 12-14 दिन चले, हंसी मजाक किया, बहुत अच्छा लगा। तो मैं मध्य प्रदेश को छोड़कर मुझे दुख हो रहा है, मगर राजस्थान में आकर मुझे खुशी हो रही।
यात्रा में हम लंबे भाषण नहीं देते। अभी मैंने अशोक गहलोत जी से कहा कि मैं लंबा भाषण नहीं देना चाहता हूं, इस यात्रा का लक्ष्य आपको कुछ बताने का नहीं है, इस यात्रा का लक्ष्य आपकी आवाज को सुनने का है। आपके दिल में जो है, किसानों के दिल में, युवाओं के दिल में, मजदूरों के दिल में, माताओं बहनों के दिल में, छोटे व्यापारियों के दिल में, वो हम सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो यात्रा में हम 6-7 घंटे चलते हैं। बहुत लोगों ने मुझे शिकायत की, मेरे सेलफोन पे मैसेज आते हैं यात्रा को 6 बजे नहीं निकलना चाहिए, 6 बजे शुरू नहीं होनी चाहिए, 6:30 होनी चाहिए, 7 बजे होनी चाहिए। मेरे फोन पे अभी एक मैसेज आया, राजस्थान में यात्रा को 7 बजे शुरू होना चाहिए। मैं कहता हूं नहीं, यात्रा को 6 बजे शुरू होना चाहिए, थोड़ी कठिनाई होनी चाहिए, थोड़ी ठंड लगनी चाहिए, थोड़ा दर्द होना चाहिए। अगर हमारे किसान 4 बजे जग सकते हैं तो ये यात्रा में यात्री 6 बजे जग सकते हैं। और अगर हमारे किसान मजदूर रोज 20-25 किलोमीटर चलते हैं, बिना जूते चलते हैं, तो हमारी यात्रा 25-26 किलोमीटर चल सकते हैं और चलेंगे। तो बहुत सीखने को मिल रहा है। गाड़ी में, हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में ये बातें समझ नहीं आती, नहीं आती। मैं बता रहा हूं, हेलीकॉप्टर से दूर से दिखता है, किसान के जो फटे हुए हाथ होते हैं उनसे हाथ मिलाने के बाद बात समझ आती है किसान क्या कर रहा है। मजदूर के बच्चों को सुबह देखकर, कांपते हुए बच्चों को देखकर समझ आती है हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से, गाड़ियों से ये चीजें दिखती नहीं। इसीलिए हमने निर्णय लिया सब यात्री 6 बजे उठेंगे। और सिर्फ यात्री नहीं, आप देखना कांग्रेस का हर कार्यकर्ता 6 बजे नहीं, 5 बजे आपको सड़कों पर खड़ा दिखाई देगा। ये महात्मा गांधी की पार्टी है, सावरकर की नहीं है, महात्मा गांधी की है, गोडसे की नहीं है, हम तपस्या करना जानते हैं। तो 8 घंटे हम आपकी बात सुनेंगे और शाम को 15-20 मिनट जो हमने देखा, जो हमने सीखा, जो हमने समझा, वो 10-15 मिनट में आपको आपके सामने रखें। रात का समय है, आपने इतने प्यार से हमारा स्वागत किया, इतनी मोहब्बत से आप हमसे मिले, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। Thank you.